नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां 100 दिनों का एजेंडा लेकर जमीनी स्तर पर उतरी योगी सरकार के सभी विभागों का रोड मैप बनकर तैयार हो गया है, जिसका खाका सीएम योगी के सामने पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुरक्षा सेक्टरों से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास होगा इस बैठक में। हमारे इस रिपोर्ट में प्रदेश की छवि में होगा सुधार, सीएम योगी देखेंगे विभागों की तैयारी, आज से प्रेजेंटेशन का दौर जारी, 18 से 22 अप्रैल तक चलेगा प्रेजेंटेशन का दौर, सुरक्षा सेक्टरों से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बनने के बाद एक्शन में है। एक तरफ जहां वो अफसरों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने मंत्रियों को भी अच्छा काम करने की नसीहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर वो पिछले कई दिनों से मंत्रियों का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार से लेकर 22 अप्रैल तक सभी विभागों का प्रेजेंटेशन लेंगे। सीएम योगी 18 अप्रैल को सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 7 विभागों का प्रेजेंटेशन लेंगे। इसमें समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण शामिल है। वही 19 अप्रैल को चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें कुल 5 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग शामिल है। इसके बाद 20 अप्रैल को ग्राम्य विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। ग्राम्य विकास सेक्टर में 5 विभाग ग्राम विकास, पंचायती राज, राजस्व का प्रेजेंटेशन होगा। वही 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर और पर्यटन संस्कृति का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें नगरीय विकास सेक्टर में संस्कृति, पर्यटन, आवास, शहरी नियोजन, नगर विकास, पर्यावरण विभाग शामिल है। यूपी को विभागीय आधार पर 10 सेक्टरों में बांटकर सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्रियों और अफसरों को जुटा दिया है, जिसको लेकर बीते दिनों 2 विभागों कृषि सेक्टर और औद्योगिक एवं अवस्थापना सेक्टर के प्रेजेंटेशन हो चुके हैं। इस प्रेजेंटेशन के दौरान इन दोनों ही विभागों को अपनी 100 दिन की कार्य योजना बताने के लिए 30-30 मिनट का समय दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी के विकास के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके लिए योगी के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश के अधिकारी भी जुट गए हैं। लेकिन अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि योगी द्वारा तय समय सीमा में प्रदेश की छवि और प्रदेश में कितना सुधार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरो